अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाइव हूँ इस टाइम अबू धाबी स्टेडियम के साथ ही जैद एकेडमी है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चल रहा है लाहौर कलंदर्स का, और हमारे सुपर कलंदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुपर कलंदर कौन है अभी हम उनको दिखाएंगे। थोड़ा सा आप बैक साइड से थोड़ा सा देखिए, कैच पकड़े हैं और थ्रो भी इस टाइम कैचेस भी चल रहे हैं। कैस कर सकते हैं कौन है हमारा सुपर कलंदर, और सुपर कलंदर का कमबैक हो रहा है लाहौर कलंदर के साथ, और लाहौर कलंदर के बहुत फैंस हैं और सुपर कलंदर के भी बहुत फैंस हैं। इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। इमरान नज़ीर सर, अस्सलाम वालेकुम। फैंस और लाहौर कलंदर के फैंस एक ही तरह की गेम चाहते हैं, वो है अग्रेसिव क्रिकेट, सिक्सर, बाउंड्रीज। सर, आपके फैंस आपसे ये पूछना चाह रहे थे आप कहाँ चले। सबसे पहले मेरी तरह से बहुत बहुत सलाम, और वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि एक दफ़ा फिर आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की कि आज वापस मैं अपनी क्रिकेट में वापस आया। और स्पेशली थैंक लाहौर कलंदर का भाई जिन्होंने मुझे इस टीम के लिए सिलेक्ट किया, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं मेरे लिए कि मैं अभी कमबैक कर रहा हूँ, और इसमें अगर अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे आगे जो रास्ते हैं वो इंशाल्लाह ओपन होंगे। और आप लोगों की दुआएं थी कि इमरान नज़ीर एक दफा फिर क्रिकेट में आए, तो नौ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम कब आपने इंटरनेशनल मैच खेला पाकिस्तान के लिए? आई थिंक 2012-13 जो वर्ल्ड कप हुआ था श्रीलंका में, वो मैं लास्ट 13 मतलब पाँच साल के बाद, साढ़े चार पाँच साल के बाद। तो फैंस जानना चाह रहे हैं आप वो जो फॉर्म था क्या वो उससे डबल फॉर्म के साथ वापसी हो रही है, मतलब विदिन एग्रेशन वापस आ रहे हैं इमरान नज़ीर, उसी तरह सिक्सर नजर आएंगे अबू धाबी में, एक्शन में नजर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डेफिनेटली जी, मैं अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और शुरू से हमेशा से मैं एक ही चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, अपनी मेहनत मेहनत बस, और मेहनत करना मेरा काम है, बाकी अल्लाह ताला इज्जत देने वाले हैं, और मेरा काम है कि मेहनत, और अभी मैं जिस तरह मेहनत कर रहा हूँ, और अभी जिस तरह मैं बैटिंग में भी आपने देखा होगा कि अच्छा माशाल्लाह मिडल हो रहा है, और मेरी कोशिश है कि आने वाले मैचों में मैं अच्छा परफॉर्म करूं और अपने फैन के लिए एक अच्छा गिफ्ट। अच्छा इमरान, मुझे ये पूछना है कि लाहौर कलंदर जब से परफॉर्म कर रही है, आपका बाकी टीमों को भी आप देखते थे, इसमें क्या चीज़ अट्रैक्ट की कि आप लाहौर कलंदर का हिस्सा बने, लाइक इसमें क्या आपको नयापन नज़र आया, क्या मिलती जुलती कुछ चीज़ें थी जो कि आपके फैंस में भी थी और लाहौर कलंदर के फैंस में? हाँ जी, सबसे पहले आई थिंक मेरे हल में एक क्रेडिट दूंगा एक चीज़ का लाहौर कलंदर को, जिन्होंने देखना टैलेंट हंट और पूरे पाकिस्तान में उन लोगों ने जिस तरह क्रिकेट को प्रोड्यूस किया है, यंग टैलेंट लेके आए हैं। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था बहुत सारे एक यंग टैलेंट नज़र आ रहा है, और मैं जब बैटिंग करने जा रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स मुझे नज़र आ रहे थे जो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक पाकिस्तान टीम का कैंप कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ी खुशहाल बात है, और इसका डेफिनेटली क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है। और जिस तरह वो अभी आपको पता ही है पूरे सरगर्मियाँ वो पाकिस्तान में बिजी रहते हैं, टैलेंट निकालते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से निकाल के फिर उनको पाकिस्तान की तरफ से खिलाना, उनको मैच्योरिटी लेके आना, फिर जा रही है जितने सीनियर प्लेयर हैं यहाँ के आके बच्चों के साथ जब वो डिस्कस करते हैं उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होता है, तो ये एक मैं डेफिनेटली लाहौर कलंदर इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। और वंस अगेन के इस चीज़ का मुझे जैसे उन्होंने अपनी टीम में सेलेक्ट किया है तो मेरे लिए बड़ी खुशहाल बात है, और यही एक चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई लड़का गिरा हो जिससे अच्छा परफॉर्म ना हो, लाके मैं जैसे इंजरी में था, जैसे मैं इंजरी से रिकवर हुआ तो मुझे आकब भाई का फ़ोन आता है कि आप में आपको एक टीम में मैंने सेलेक्ट किया है, आप मैं हमारा लाहौर कलंदर के आगे खेलो, तो ऑनेस्टली जेन्युइन बात बताऊँ मेरा दिल जहाँ इतना था मेरा इतना बड़ा हो गया, और इतने बड़े बड़े सिक्सर नज़र आने चाहिए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली जी ज़रूर सिक्सर नज़र आएंगे। अच्छा एक चीज़, ये जो आपका कमबैक हुआ, अब्दुल रज़ाक का कमबैक हुआ, और उसी तरह हसन रज़ा का कमबैक हुआ, इस तरह लाहौर के अंदर इनिशिएटिव लेता, आपको कैसा लगता है कि ये क्रिकेट के लिए कितना ज़रूरी है, क्रिकेटर के लिए कितना ज़रूरी है, एक स्टार के लिए? बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए जिस तरह लाहौर के अंदर जैसे आपने बात की अब्दुल रज़ाक की, रज़ा हसन की, जो बिल्कुल डाउन हो चुके थे, तो इन लोगों ने उनको उठाया और आके उनको क्रिकेट खिलाई। देखिए एक प्लेयर्स के लिए क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं अगर देखो इतनी अर्से के बाद एक इंजरी से वापस आया हूँ और फ़ौरन ही मुझे इन्होंने पिक किया, एक कॉन्फिडेंस दिया कि वेलकम बैक और आप अपनी मेहनत करो, हम आप सब आपके साथ हैं, आप बस अपनी क्रिकेट खेलो और क्रिकेट पे फोकस करो, तो डेफिनेटली देखो ना एक प्लेयर्स के लिए यही काफ़ी होता है। देखो जब तक प्लेयर को क्रिकेट मिल रही है वो फिर कॉन्फिडेंस आता रहता है। तो नौ आज पहला दिन है हमारा अबू धाबी में प्रैक्टिस का, और जिस तरह मैंने अभी प्रैक्टिस की है और अभी आपके सामने मैं फील्डिंग भी कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी आप फील्डिंग से ही। आप एक चीज़ नोट करें कि वो शायद मैं पहले किसी को इंटरव्यू देता था तो मेरा ये फ्लोर ये कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता था, जितना अब मुझे नज़र आया लॉर्ड
कलंदर पहन लिया ना उसकी वजह से कॉन्फिडेंस। अब हम क्वेश्चन भी लेना चाहेंगे क्योंकि आपने काफी अरसे से अपने फैंस के क्वेश्चन सुने होंगे कमबैक कब होगा कब होगा, आज हो गया कमबैक सुपर कलंदर का। क्वेश्चन आ रहे हैं और जिस तरह भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इमरान नजीर से अभी पूछिए, उस क्वेश्चन का आंसर इमरान नजीर अभी आपको करेंगे और मैं बिल्कुल मैं करूंगा। आप लोग क्वेश्चन रेडी करिएगा और उतनी देर में मैं जरा दो अभी हम आपको वापस बुलाऊंगा अभी हमारी शुरू होते हैं क्वेश्चन और ये एक्टिविटी दिखाएंगे। इस टाइम सलमान इरशाद साथ हैं, ये यंगस्टर्स इमरान नजीर के साथ हैं, ये धड़कन है इमरान नजीर तमाम क्रिकेट लवर्स की। और हारिस रऊफ हैं, बिलाल इरशाद हैं और देखें उधर से कोच किस तरह जेलिन है और किधर कैसे थ्रो आ रही है आपकी तरफ और आप कितना एक्साइटेड हैं, फैंस बताएंगे। इतने ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं पेज पे, कितने एक्साइटेड हैं इमरान नज़ीर को एक्शन में देखकर। और अभी हम अब्दुल रज़ाक को भी लाएंगे आपके सामने, आप क्या सवाल पूछेंगे अभी इमरान नज़ीर से रिलेटेड क्वेश्चन में, और दूसरी तरफ आऊँगा स्क्रीन पर देखूँगा और मैं इमरान नज़ीर से वो क्वेश्चन आपका एज इट पूछूँगा जो आपने पूछा है। क्या पूछना चाहते हैं इमरान नज़ीर से, कितने बड़े फ़ैन हैं आप इमरान नज़ीर के, सिक्सर देखना चाहते हैं इमरान नज़ीर के, और इमरान नज़ीर की कोई ऐसी मेमोरी शेयर कीजिए जो कि मैं इमरान को बताऊं। और अभी मैं देखता हूं इमरान नज़ीर की तरफ कैमरा है, तो इमरान ने वेट कैसे लूज़ किया, इस तरफ आइए। और अभी मैं फिटनेस देखी थी, काफ़ी तगड़ा जिस्म हुआ है इमरान। आपका पहला क्वेश्चन आया वेट लूज़ कैसे किया, बड़े यंगस्टर देख रहे हैं उन्हें बताएं ये वेट लूज़ और साथ साथ आपने फिटनेस और स्ट्रॉन्ग कर ली, तो क्या राज है? बिल्कुल फिटनेस का एक ही राज है। और देखिए जब मैं इंजरी में था मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और आई थिंक मेरे ख्याल में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिकवर किया। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है और आई नो मुझे पता है कि मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ। जब मैं फुल रिकवर हुआ तो मैंने दिन रात एक कर दी, आप लोगों को मेरा चेहरा नज़र आ रहा है मेरे पास। देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेहनत करने से ही आती हैं और मेरा काम है मेहनत करना और मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। और वेट लूज़ डेफिनेटली आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपका वेट लूज़ हो ही जाएगा। इमरान एक और चीज़ बताता हूँ, कमबैक अगर इमरान नज़ीर का हुआ है तो कमबैक हुआ है हमारे एक और सुपर कलंदर और मैं कहूँगा महा कलंदर अब्दुल रज़ाक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सर सर वेलकम बैक, आप आ गए और छा गए सर, इतना अरसा फैंस को वेट कराया और इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपका बड़ा फैन हूँ। सर कहाँ थे आप, क्या सोच रहे थे और आप फाइनली लाहौर के अंदर का हिस्सा बन के, क्या जज्बात हैं आपके? देखिए सबसे पहले तो क्रिकेट मेरी छिड़वाई गई और मैं भी डिसार्ड हुआ और उसके बाद फिर लाहौर के अंदर में उससे पहले पीटीवी डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल ने बड़ी कॉन्फ्रेंस दिया जिससे मैं डोमेस्टिक खेला। उसके बाद लाहौर के अंदर राघव जुवेद हमारे जो हेड कोच हैं उन्होंने मुझ पर बिलीव किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उनका भी शुक्रिया गुजार हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो मेरी क्रिकेट है जिस तरह मैं खेलता आ रहा था उस तरह खेलूँ। आपका एक खासियत सबको पता है कि रज़ाक विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत से मैच जितवा के दिए, इतने मुश्किल मैचेस भी जितवा के दिए। लाहौर कलंदर को जीत की अशद ज़रूरत है जीतने की, क्या अब ये जो दो मैचेस होने जा रहे हैं अबू धाबी में, ये टूर्नामेंट जो हो रहा है ये लीग हो रही है, तो इसमें क्या किरदार होगा अब्दुल रज़ाक का टीम के साथ? आपके सामने यंगस्टर्स भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए बात ये है, ये क्रिकेट है और क्रिकेट टीम जो यूनिटी मांगती है और इसमें 11 प्लेयर होते हैं उसमें से एक या दो प्लेयरों ने मैनेज मैच होना होता है, बिल्कुल ऐसे और इतनी कंट्रीब्यूशन होती है, तो कोशिश ये करेंगे कि जिस सिचुएशन के मुताबिक जहाँ टीम को ज़रूरत है उसके मुताबिक खेली जाए। अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें रन कंटेन करेंगे, अगर 10 की एवरेज चाहिए तो कोशिश करेंगे 12-14-16 एक ओवर में करने। बिल्कुल ऐसे आप फील्डिंग करते रहिए, आपसे रिलेटेड अब रज़ाक के फैंस, अब्दुल रज़ाक के फैंस क्या पूछना चाहते हैं रज़ाक से, डायरेक्ट पूछिए। फील्डिंग करते करते मैं जब कोई एक अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आएगा मैं सर आपसे पूछूंगा, अपने फैन को डायरेक्टली जवाब दीजिएगा। थैंक यू सर। और ये फील्डिंग सेशन दिखाएगा अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, बिलाल इरशाद और अली माजिद ने ज्वाइन किया है। अली माजिद की बॉलिंग देख रहे थे और हम इतना इम्प्रेस हुए कि एकदम स्किट होती हुई बॉल अंदर आ रही है और ये आपको अबू धाबी में क्या क्या नज़र आने वाला है, कितने बेहतरीन एक्शन में नज़र दिखाई देंगे। और सबसे बात होगी लेकिन मुझे पहले जानना है कि अब्दुल रज़ाक से क्या क्वेश्चन किया जा रहा है और इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और क्या पूछेंगे रज़ाक से, मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्टली। आप अब्दुल रज़ाक के फ़ैन हैं तो मैं डायरेक्टली अब्दुल रज़ाक से पूछूंगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, और क्वेश्चन इमरान नज़ीर के लिए, क्वेश्चन अब्दुल रज़ाक के लिए, और सब ये कह रहे हैं वी लव अब्दुल रज़ाक, वी लव इमरान नज़ीर।
सुपर कलंदर ये दोनों हमारे साथ हैं और इस टाइम आप इंजमामुल हक साहब को भी देख सकते हैं, इस टाइम इन एक्शन है और एडवाइजर टू लाहौर कलंदर और चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल एक बेहतरीन ट्रैक पर लेके चल रहे हैं और सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए जी, कौन किससे पूछा आपने इजाज़ अहमद, आर यू फिट नाउ फॉर किट, किट पहन ली, रेडी हैं और परफॉर्मेंस के लिए रेडी हैं? आप कोई क्वेश्चन पूछिए इंटरेस्टिंग सा इमरान नज़ीर से और अब्दुल रज़ाक से, मैं उनसे एक आंसर लूँगा। अभी जब वापस, अच्छा जी वापसी की है, आप ये किससे पूछ रहे हैं, रज़ाक से पूछें या इमरान से? अच्छा जी पूछा जा रहा है, अभी आपने वापसी की है, कमबैक हुआ है, पहले से क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी फिटनेस में? देखें सबसे पहले आई थिंक मेरा ख्याल है कि जब मैंने पहले टाइम क्रिकेट खेली थी तो आज मुझे देखो जब अल्लाह ताला ने दोबारा एक सेहत दी है तो मैं कहता हूँ एक नई ज़िंदगी लेके मैं वापस आया हूँ। जिस टाइम उस टाइम मैं जब पहले खेला था उस टाइम मैं जितना हैप्पी था, आज मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं वापस फिर अपनी जब क्रिकेट में आया मैं आज उतना ही खुश लग रहा हूँ, उतने ही खुश लग रहे हैं। थैंक यू जी। इस तरह मैं क्वेश्चन लेता रहूँगा और रज़ाक के लिए भी देखते हैं कौन सा स्पेशल क्वेश्चन आता है और उसका आंसर अब रज़ाक करेंगे। विल दे बोथ प्ले फॉर LQ in PSL 4? इसका मेरे ख्याल से जवाब मैनेजमेंट को देना चाहिए और ये अभी अबू धाबी पे फोकस रखिए, PSL भी इन फ्यूचर आप देखेंगे और एक्शन में आप मतलब इतना कुछ जानना चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं, मुझे लगता है पूरा एक सेशन घंटे का हो जाएगा रज़ाक के साथ और इमरान नज़ीर के साथ। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि यंगस्टर्स भी साथ साथ कर रहे हैं। सर बात सुनिए, अब रज़ाक और इमरान नज़ीर से बात हुई है तो अबू धाबी में आ गए लाहौर कलंदर के साथ, PDP से सफ़र स्टार्ट हुआ, तो क्या फैंस को क्या कहेंगे, आपके भी फैंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं आप पहले मैच में, क्या सोचा हुआ? पहली बार अच्छा लग रहा है, एक तो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। सो कैसी डिलीवरीज निकलेंगी अब हाथ से, ये बॉल आपके हाथ में दे रहा हूँ, जरा फैंस को बताएं PDP से इधर आने का सफर कैसा रहा, मतलब अपने पहले सोचा था इंटरनेशनल टूर और अबू धाबी में इतने बड़े स्टार्स के साथ, अब्दुल रज़ाक के साथ और इमरान नज़ीर के साथ और इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ, ख्वाब लग रहा है चुटकी काटे ये रियल है, रियल है। अच्छा फैंस को क्या कहेंगे जो देख रहे हैं घर में, जो स्पेशली फैमिली देख रही है उनको क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और जीतने की दुआ करें और अच्छा परफॉर्म करें हम सब, इन्जॉय करें। चलें जी सेशन इन्जॉय करते हैं और दोनों एक्शन में नज़र आ रहे हैं, अभी दिखाइए किस तरह से अब्दुल रज़ाक प्रैक्टिस। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम यहाँ ट्रेनिंग में आप अब्दुल रज़ाक को भी देख रहे हैं और साथ ही यंगस्टर अली माजिद को आपने देखा, बॉलिंग करते हुए हमने देखा, अब वो ट्रेनिंग में इतना बिजी है, मैं अली माजिद को भी बुलाना चाहूँगा। अली माजिद कैसा मौका लग रहा है आपको कि इन इतने बेहतरीन प्लेयर्स के साथ आपको सीखने का मौका मिल रहा है, लाहौर कलंदर ने प्लेटफॉर्म दिया है आपको, अबू धाबी में आप स्टार्स के साथ खेलोगे, यानी वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपको नज़र आते थे परफॉर्म करते हुए TV पर और अब आप उनके साथ खेलने जा रहे हैं, अली माजिद क्या कहेंगे? पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और इतने अच्छे प्लेयरों के साथ, मैंने ये मेरा तो एक ख्वाब था कि कभी मैं इनको देख सकूँगा, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, बॉलिंग की है, बैटिंग भी की है और फील्डिंग कर रहा हूँ इनके साथ। इंशाल्लाह जिस तरह के हम लाहौर कलंदर की टीम को, लाहौरी कलंदर को चैम्पियन बनाया है मेरी बॉलिंग से, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे अबू धाबी में भी मैं अपनी पूरी परफॉर्मेंस दूँ और टीम को विन करूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी मैं पूरी स्ट्रगल कर रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान। अली माजिद लाहौरी से लाहौर कलंदर का सफ़र कैसा रहा, PDP से अबू धाबी का सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त जी, ये मेरे लिए तो इतना ख्वाब से बढ़ के है चीज़, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि कभी मुझे भी ये अब भी दुबई में आना पड़ेगा अबू धाबी में, तो मैं ख़ास तौर आकिब जावेद का बहुत शुक्रगुजार हूँ, राणा फवाद का शुक्रगुजार हूँ और कलंदर की पूरी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और हमें अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिला। पहले मैच में क्या सोचा हुआ है, कितनी विकेट्स लेनी है और कैसे टारगेट करना? मैं जब सुबह होटल में पहुंचा हूँ ना तो मुझे किसी ने सवाल किया है कि आगे से क्रिस गिल आ रहा है,
تو میں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ میں نے کرس گیل کو آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ پی ڈی پی سے ابوظہبی کا سفر اور ابوظہبی پہ آ کر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا, مطلب یہ لاہور میں آپ کہہ کر آئے ہیں. جی جی بالکل. اور یہ فیلنگ چیمپئن فیلنگ ہے بالکل, لاہوری کلندر چیمپئن. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ فائنل سے پہلے کہ ہم لاہور کلندر کی تاریخ چینج کریں گے. لاہوری کلندر کو میں نے فائنل ون کروایا, انشاءاللہ اب لاہور کلندر میں بھی ہم فائنل ون کریں گے. اور ابوظہبی میں جو آسٹریلیا بھی آگے نظر آ رہا ہے اور پی ایس ایل بھی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. میری پوری کوشش ہے جو میری پرفارمنس ہوگا انشاءاللہ میں اپنی ٹیموں کو جو ہے نا چیمپئن بناؤں گا. آل دا بیسٹ علی ماجد, ہم ان کو دکھائیں گے بھی بولنگ کرواتے ہوئے اور سارے سیشن میں آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو علی ماجد. اور باقی سب پلیئر سے ملوائیں گے, عبدالرزاق اور عمران نذیر سے جتنے کوشچن پوچھنے ہیں پوچھ لیجئے, میں اس کے آنسر لوں گا عمران نذیر اور عبدالرزاق سے. سپر کلندرز میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھ رہیے گا, ملوں گا آپ کو چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹھنڈا کر دی